नंबर मेथड, एरे मेथड करना, सॉरी एरे मेथड करना था आज। अच्छा तो एक काम और पहले ही आपके लिए आज दे देता हूँ, रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करना, ठीक है? ये काम आपके लिए, रैंडम स्ट्रिंग जनरेशन आपका टास्क आज का। चलो फिर स्टार्ट होते हैं, आज के टॉपिक है एरे मेथड्स, ठीक है? पहला है जैसे स्ट्रिंग में था सेम वही है लेंथ, दूसरा है पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट स्प्लाइस शॉर्ट, शॉर्टिंग को छोड़ दो कोई इतना ज्यादा काम का नहीं है, स्प्लाइस हो गया, डिलीट एट हो गया अपने पास, कनकेट नाइन्थ हो गया, जॉइन टेंथ हो गया टू स्ट्रिंग, ठीक है? हाँ जी, आपके पास कुछ एरे मेथड्स हैं, एक बार लिख लो इनको। पहले तो सभी को क्लियर हो गया वो क्या करेगा, एरे के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स देगा। तो चलो होते स्टार्ट वन बाय वन। हाँ जी, एरे बना लेते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, पता नहीं क्या क्या डालना है, जो डालना हो डाल देना, एक दो नंबर डाल दिए, ठीक है? सबसे पहला आता है लेंथ, कंसोल लॉग करूंगा मैं सब चीजों को, ए डॉट लेंथ, क्योंकि एरे यार एरे में कंसोल ठीक रहेगा, कहाँ पे गया था सर्वर में। अच्छा देखो आ गया फोर, ठीक है, क्योंकि चार आइटम रखे मैंने इसके अंदर, एक दो तीन चार। नेक्स्ट है पुश और पॉप, ये बेसिकली स्टैक मैनेजमेंट का पार्ट, अगर किसी ने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ कहीं पे जिंदगी में किसी के आया हो तो वहां पे क्या होता था, एक आपके सामने होती थी लीफो और एक होती थी फीफो, सुनी हो तो किसी ने, लीफो फीफो। अब लीफो का मतलब होता लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो लीफो में क्या होता है, जो भी चीज होएगा वो आखिरी में होएगा, मतलब देख एक छोटा सा धमाके वाला एग्जांपल देता हूँ, लाइन में खड़े हो धमाका हो जाए तो बचने के चांस किसके हैं, जो सबसे आखिरी में वही पहले भागेगा, तो वो लीफो का एग्जांपल है, और जो सबसे लास्ट में है वही सबसे मतलब लेट भी उसी को चीज मिलेगी। तो फीफो आता है, फीफो में पहले आओ पहले पाओ वो वाली स्कीम होती है, लाइन में खड़े हो बहुत लंबी लाइन में, सबसे आगे खड़े हो सबसे पहले लेके आराम से खुश होके जाओगे, और भागेगा आएगा भी पहले पे और भागेगा भी पहले पे, ठीक है? तो जो आपका पुश और पॉप है वो हमेशा फॉलो करते हैं लीफो अप्रोच को, ठीक है? क्लियर है सभी को, मतलब जो होगा आखिरी पे होगा। चलो करते हैं, कंसोल ए को करवा दिया मैंने, कहा ए डॉट पुश, पुश का मतलब इंसर्ट करना, मैंने मेरा नाम लिख दिया। अब मेरा नाम कहां पे आएगा, 5454 के बाद में, देखो आखिरी में आया। अब मैंने कर दिया पॉप, अब पॉप में धमाका हो गया, धमाका होता ये सबसे पहले भागेगा, देखो भाग गया ना, तो मतलब पुश का मतलब इंसर्ट करना, पॉप का मतलब निकालना। क्लियर है सभी को, पुश और पॉप क्या होते हैं, कोई डाउट इसमें? चलो फिर आगे, नेक्स्ट है शिफ्ट अनशिफ्ट, जो शिफ्ट और अनशिफ्ट है
वो फॉलो करते फीफो अप्रोच को, पहले आओ पहले पाओ और पहले जाओ, ठीक है। इसमें ये मत कंफ्यूज होना कि आउट फर्स्ट वाला होगा, आउट भी लास्ट वाला ही होगा लिफो में। अब शिफ्ट से क्या होगा, डिलीट होगा, तो मैंने क्या कर दिया शिफ्ट। अब शिफ्ट से क्या होगा, कौन सा भागेगा सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले जो चीज है वही भागेगी, एबीसी। देखो एबीसी गायब यहां से, मतलब उसको सामान मिल गया जो लेना था, अनशिफ्ट। अब ये वो धक्के धक्के से घुसने वाली पार्टी है, धक्के से नहीं घुस जाते लाइन में, ये वो वाली पार्टी है, ठीक है। अब देखना धक्के से सबसे पहले आके खड़ा हो जाएगा, आया समझ? तो पता लगे अनशिफ्ट क्या करता है, इंसर्ट करता है पहले नंबर पे, और शिफ्ट क्या करता है, पहले नंबर वाले को गायब करता है। कोई डाउट इसमें? पता लग गया सभी को फीफो लीफो क्या होते हैं? अब नेक्स्ट डिलीट बता रहा हूं, डिलीट नाम से ही पता लग रहा क्या करेगा, डिलीट करेगा। डिलीट किसका, किसी भी पोजीशन पे लिख दो, मैंने बोल दिया एक का सेकंड, ऐसे लिखा जाता था ना अरे। अब एक ही सेकंड पे क्या है, ट्रू है, तो ट्रू डिलीट होना चाहिए। तो देखो ट्रू डिलीट हुआ, बट उसने क्या किया, उसकी पोजीशन नहीं उड़ाई, वैल्यू उड़ाई है सिर्फ, क्योंकि एमपीटी आ रहा है। नंबर ऑफ आइटम देखो कितने दिखा रहे इसके अंदर, अभी भी चार, लेकिन हमारे पास तो तीन दिख रहे हैं। तो इसने उसकी पोजीशन नहीं उड़ाई, बस वैल्यू वैल्यू डिलीट की। याद रखना डिलीट क्या करता है, सिर्फ वैल्यू डिलीट करता है। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आता है स्प्लाइस। ये जो स्प्लाइस है ये सब काम करता है, इंसर्ट डिलीट सब कुछ। तो प्लीज इसको ध्यान से समझ लेना, यही काम में आता है ज्यादा, ए डॉट स्प्लाइस, ठीक है। हाँ मैंने इसमें वन डाल दिया, जो मन करे वो नंबर डाल दो। अब इसका मतलब क्या है, ये होती है पोजीशन जो आप डालते हो, कि फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो। अगर स्प्लाइस के अंदर सिंगल आर्ग्यूमेंट है तो फर्स्ट से स्टार्ट होकर सभी को उड़ा देगा, वो बचेगा कौन सा, उससे पहले वाले। तो देखिए क्या बचा, पता लग गया पहला पैरामीटर क्या करता है, जो आपने पोजीशन दे दी वहीं से डिलीट करना स्टार्ट कर देगा। अब दूसरा पैरामीटर होता है नंबर ऑफ आइटम यू वांट टू डिलीट, आप कितने आइटम्स डिलीट करना चाहते हो, पोजीशन नहीं है ये नेक्स्ट वाली, आइटम है, नंबर ऑफ आइटम। तो मैंने बोल दिया एक से स्टार्ट, और कितने डिलीट हो, एक ही हो, तो एक पे कौन सा है, यही है फिर, और एक ही बोल रहा है, तो देखो वही हो जाएगा एक्स वाई जेड। दो कर दोगे तो एक से स्टार्ट होके पहले दो को उड़ा देगा, मतलब एक्स वाई जेड और ट्रू, आया समझ? मैंने जीरो कर दिया। अब सोचो मैंने क्या बोला है, स्टार्टिंग कहां से, वन से, उड़ाए कितने हैं, जीरो, कुछ भी ना उड़े, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो ये होता है कि कितने उड़ाने हैं आपको, तो मैंने कुछ भी नहीं उड़ाया, तो वही आ गया मेरे पास। अब आपने क्या किया, बोला पहले एक उड़ जाए उसकी जगह पे कुछ और आ जाए, तीसरा आर्ग्यूमेंट और डाल दो, पहली पोजीशन पे हो क्या हो, एक डिलीट और उसकी जगह क्या आ जाए, जो भी लिखा हुआ वो आ जाए, आ गया पहली पोजीशन पे और उसको कर दिया डिलीट। अब बताओ क्या आएगा, एबीसी, उसके बाद क्योंकि मैंने डिलीट काउंट कितना बोला है, जीरो, तो ये स्टार्ट कहां से होगा, वन से, तो वन पोजीशन पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, आया समझ? तो देखो तीनों काम कर रहा है ना, ये किसी पर्टिकुलर पोजीशन को भी उड़ा रहा है, इंसर्ट भी कर रहा है, और कितने डिलीट करना चाह रहे हो वो भी कर रहा है। तो पहला रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके हाँ जी, स्टार्ट ये होती है स्टार्टिंग, कहाँ से आपको डिलीट करना है, ठीक है, मतलब किस पोजीशन से खेलना है। तो मैंने एक लिख दिया, ये होता है नंबर ऑफ आइटम यू वांट टू डिलीट, तो मैंने बोल दिया जीरो। तो पहले पे ये चीज है, मैंने डिलीट काउंट पे क्या बोल दिया, जीरो। अब उसकी जगह पे मैंने क्या इंसर्ट करवा दिया, उमेश, तो एक्स वाई जेड की जगह पे उमेश आ जाएगा, वन पोजीशन पे, ये टू पे चला जाएगा, आगे समझ? अब हाँ जी सर, ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी और को? तो ये ज्यादा यूज होता है यार। हाँ मैंने 1,1 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई जेड को डिलीट कर दे, उसकी जगह पे क्या आ जाए, मेरा नाम आ जाए, देख लो
कोई डाउट? नेक्स्ट है कनकेट। एक बार कनकेट को छोड़ते ज्वाइन पे आते हैं, फिर कनकेट पे आते हैं। अब ज्वाइन क्या करेगा बताओ, क्या लगता है आपको? दिखाते हैं, मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है? क्या कर दिया इसने, स्ट्रिंग बना दिया, क्योंकि अगर एरे होता तो सिंबल के अंदर आता। अब जो कोमा आते, अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाओगे एक, तो कुछ ऐसा ही तो आता है, स्ट्रिंग आता है हमेशा आपके पास, वो टू स्ट्रिंग अपने आप लगा देता है। देखो एक्स वाई जेड आ गया, ए बी सी एक्स वाई जेड ट्रू। अब इसको ज्वाइन कर दो किसी चीज के साथ, इसके ज्वाइन अभी बाय डिफॉल्ट किसके साथ ज्वाइन होता है, ये कोमा के साथ। तो पता लगा आप ज्वाइन क्या करता है? आप चाहते हो सभी के बीच में स्पेस आए, स्पेस दे दो। देखो आ गया स्पेस, पता लगा अब क्या करता है ज्वाइन, जितने भी आइटम्स हैं उनको किसके भी आप पे ज्वाइन करना है। कोई डाउट? वैसे कभी यूज नहीं होने वाला ये। नेक्स्ट आता है कनकेट। कनकेटिनेशन क्या होती है? जोड़ते किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ या तीसरी चीज के साथ, जितने के साथ भी जोड़ना है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों एरे को एक बनाना है। अभी तक हमने क्या देखा, कनकेटिनेशन प्लस से होती है। अब कनकेटिनेशन एरे के अंदर प्लस थोड़ी कर दोगे, ए डॉट जिसको आगे रखना उसको लिख दो और फिर कनकेट लिख दो, और उसके अंदर जिसको अटैच करना वो लिख दो। अगर कंसोल लोग, अब मैं सी को कराऊंगा तो मेरे को एक नया एरे मिल गया जो कि एक दूसरे के साथ कनकेट हो चुके हैं। देखो क्योंकि मैंने पहले लिखा था तो ए के सब आइटम पहले आया, फिर उसके बाद बी के आया, दो अटैच करने हैं, दूसरा एरे लिख देना, तीसरा एरे लिख देना, कोमा डाल डाल के जितने भी आपके लिख दो। कोई डाउट इसमें? टू स्ट्रिंग तो पता लग ही गया होगा क्या करेगा। टू स्ट्रिंग एरे को स्ट्रिंग बना देगा। अब कल एक देखा था स्ट्रिंग को एरे बना रहा था, ये एरे को स्ट्रिंग बना रहे। तो ये थे आपके एरे मेथड्स। यू बहुत सारे बट जो मेनली यूज होते हैं वो यही होते हैं। कोई डाउट इसमें? चलू फिर आगे। नेक्स्ट आ गया आपके सामने बॉम, बी ओ एम। हाँ जी, बॉम क्या होता है? कोई कोई इसको ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल बोलता है, कोई कोई बॉक्स ऑब्जेक्ट मॉडल बोलता है, जो बोल रहा है वो बोल लेना यार। मैंने बोला था ना जावास्क्रिप्ट में कहीं पे भी वो आ जाए, वो का मतलब ऑब्जेक्ट होगा। तो कोई कोई इसको ब्राउजर बोलता है, कोई कोई इसको बॉक्स भी बोलता है, ठीक है? ये क्या होते हैं, पॉपअप बॉक्स आते हैं जब, जैसे कि मान लो अभी मीटिंग में मैं किसी को ज्वाइन करता है, पॉपअप बॉक्स आ जाता है छोटा सा। कुछ ऐसे ऐसे होते हैं आपके बॉम, मतलब बॉक्स ऑब्जेक्ट मॉडल। जो पहले नंबर पे आता है वो आता है आपका अलर्ट, दूसरा आता है कंफर्म, तीसरा आता है प्रॉम्प्ट। ये तीन होते हैं। और इसका आपके वेब पेज से कोई लेना देना नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है। जैसे कंसोल जावास्क्रिप्ट का, वैसे ये भी है। करें स्टार्ट? अलर्ट लिख दिया मैंने, इसके अंदर लिख दिया हेलो। ऐसा कुछ आता है जब कुछ फॉर्म वगैरह गलत करते, कुछ ऐसी चीजें आती है, समझ आ गया अलर्ट क्या होता है? इसके अंदर क्या था, सिर्फ एक ओके बटन था, ठीक है? नेक्स्ट आता है कंफर्म। नाम से ही पता लग रहा है कुछ कंफर्मेशन करेगा, तो कंफर्मेशन में क्या आ जाएगा, ओके कैंसिल।
तब ओके कर दोगे तो जो आपकी फंक्शनैलिटी वो हो जाएगी, कैंसिल कर दोगे तो वो हो जाएगी। बट हमें पता कैसे लगेगा कि मैंने ओके पे क्लिक किया या कैंसिल पे क्लिक किया? तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, इसको किसी वेरिएबल के अंदर रख दो, ठीक है। कंसोल लॉग कर दिया मैंने किसको, ए को। अब देखना, चलो एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। मैंने ओके पे क्लिक किया, क्या मिल रहा है? तो जो आपको लॉजिक लगाना हो लगा सकते हो। अब अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करूँ फॉल्स मिल जाएगा। तो इफ ए है तो ये चीज हो, एल्स ना हो तो ये हो। आप कुछ ऐसा सिनेरियो बना सकते हो, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आ गया लास्ट प्रॉम्प्ट। क्या करेगा प्रॉम्प्ट? करो गैस, जैसे वो ओके कैंसिल दे रहा था, पहले वाला ओके दे रहा था, ये इनपुट लेगा आपसे। देखो मैंने इसके अंदर कुछ भी डाल दिया, ओके करूंगा तो वो इनपुट मिल जाएगी मेरे को। क्यों मिली? क्योंकि मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रखा है। तो जो आप इसके अंदर डाल रहे वो क्या है? आपकी वैल्यू है। और वो किसके अंदर मिलेगी? जिसको अंदर इसने आपने स्टोर करवा रखा है। तो फर्स्ट टाइम आपके सामने इनपुट आ गई, क्या आप खुद की वैल्यू डाल सकते हो? अभी तक हमारे पास नहीं आई थी। तो अब आपको क्या करना है इससे रिलेटेड भी, एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाना, छोटा सा कुछ ऐसा होगा। वैल्यू वन, वैल्यू टू, ऑपरेटर, कुछ भी वेरिएबल ले लेना। अब जैसे वैल्यू वन के अंदर मैंने वन डाला, वैल्यू टू के अंदर सिक्स, फाइव सिक्स, जो भी डालना है हो गए वैल्यू टू के अंदर। अब यहां पे प्लस डालो तो दोनों क्या हो? एड हो। आ गया समझ? तो कुछ ऐसा कैलकुलेटर बनाना, बस बना लोगे? देखते कौन बना के लाएगा। तो ये आपको करना है, छोटी छोटी चीजें दूंगा, ज्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे रहा, स्टार्टिंग में एक ही दे रखी है। अब धीरे धीरे आपके टास्क एक्सपेंड हो रहे हैं और अच्छे अच्छे चीजें आ रही है। अब एक और टास्क, कैलकुलेटर। बातों में ध्यान मत दो, ऊपर में ध्यान दे लो दोनों, ठीक है। दूसरा टास्क, पहला तो वो हो गया क्या था, रैंडम स्ट्रिंग। दूसरा हो गया कैलकुलेटर बनाना। तीसरा क्या दे आपको? सम ऑफ एरे। एक एरे, अरे रुक जा दिख जाएगा, एक एरे ले लेना, उसके अंदर नंबर्स डाल लेना, कोई भी जो मन करे, 1 2 3 4, उन सभी का सम निकालना, ठीक है। टोटल निकालना कैसे? दोनों का बात तो ज्यादा ध्यान रखता है, ये ज्यादा अच्छा है। या तो एक ही, दो सिचुएशन हो सकती है, जैसे मूवी में डायलॉग नहीं है, ऐसे आदमी दो ही टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो, पुलिस केस हो। अब तुम दोनों के साथ ये है कि या तो तुम्हें ज्यादा आता है या तुम्हें आता ही नहीं, तो वो देख लेना यार, मत किया करो बात। एक बार ऑनलाइन वाला को जाने दो। चलो ठीक है, अब जो तीसरा टास्क था, सम ऑफ एरे, कुछ ऐसा करना है, कोई एरे ले लेना, कोई भी नंबर ले लेना, दो चार जो भी मन करे, इनका सम निकालना है, टोटल करना, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, ये तीन टास्क हो गए। अब कैसे भी करना, लेकिन प्लीज करो। चलो फिर आगे, अब नेक्स्ट टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। स्ट्रिंग क्या है? हाँ जी सर, रैंडम स्ट्रिंग वाला क्या मतलब, क्या करना था? एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करना, कुछ ऐसे कुछ भी रैंडम हो सकता है वो, ठीक है। पांच छह अक्षर का कर लेना, जो भी आपको करना हो, पांच या छह का। समझ आ गया रमन? यस सर। हाँ जी,
अब आता है जेएस का सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक, डोम। जितनी चीजें अब आपने सीखी हैं सब लगेंगी। अब डोम क्या होता है फुल फॉर्म में बता देता हूं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एम से मॉडल, ठीक है। डोम इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब एक चीज दिखा रहा हूं, एक डायग्राम, इसको छोड़ दो, मारो गोली साइड में करो। आज सिर्फ थ्योरेटिकल बातें करूंगा, इसके बारे में प्रैक्टिकली कल करूंगा। गूगल पे गया मैंने, डोम सर्च कर दिया, कोई भी फोटो आए उसको ओपन कर लेना। हाँ जी, फोटो आ गई, दिखाई दे रहा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट। अगर अपने एचटीएमएल को जाके देखोगे तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा होता है, डॉक टाइप, मतलब आपका वेब पेज। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, एचटीएमएल। तो सबका पेरेंट कौन है आपका, वेब पेज। वेब पेज का चाइल्ड कौन है, एचटीएमएल। अब एचटीएमएल के कितने चाइल्ड है, दो होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है बॉडी। अब बॉडी के अंदर कुछ टैग होते हैं वो बॉडी के चाइल्ड होते हैं, हेड के अंदर कुछ टैग होते हैं वो हेड के चाइल्ड होते हैं। अब जैसे एंकर टैग बनाते हैं हम, एंकर टैग का चाइल्ड क्या हो सकता है, उसका एट्रीब्यूट हो सकता है क्योंकि उसके अंदर एचआरएफ लिखा जाता है। या जैसे किसी के अंदर क्लास लिखते हैं वो उसका चाइल्ड है। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन चलता है, पेरेंट चाइल्ड वाला। आया समझ। अब बात करते हैं डोम से हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम देख के रिजेम्बलिंग होगी। अब सबसे पहले डॉक्यूमेंट है, तो चीज दिखाऊं आज, अभी तक मैंने नहीं दिखाई है। डॉक्यूमेंट दिखा दो क्या होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट क्या हमने देखा अब तक, क्या है डॉक्यूमेंट। मिला एक डॉक्यूमेंट, ओपन करके देख लो क्या मिल रहा आपका, HTML एज इट इज नहीं मिल रहा। देख लो यही बनाई हुई ना हमने, first.js, वो जो लाइव सर्वर में चलाता हूँ ये वो है, अपने आप आ जाती है। देख लो हेड के अंदर, तो पता लग गया डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ पे आपका पूरा वेब पेज है, कोई डाउट इसमें। अब डोम से हम क्या कर सकते हैं, डोम से हम बेसिकली किसी टैग को जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने क्या देखा, HTML के अंदर गया मैंने कोई टैग लिख दिया वो बन गया, उसकी फंक्शनैलिटी बन गई। ऐसे ही डोम से यानी कि जावास्क्रिप्ट से भी आप अपने टैग्स बना सकते हो। क्लियर है इतना, क्या कर सकते हो, डोम से किसी टैग को डिलीट कर सकते हो, उड़ा भी सकते हो। डोम से किसी टैग की कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि इसकी SRC चेंज करना है मेरे को डोम से तो मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे हम CSS लगाते हैं, लिंक चेंज करना हो, कोई दूसरी फाइल करनी हो वो कर सकता हूँ, किसी की क्लास चेंज करनी हो वो कर सकता हूँ, तो अपडेट भी कर सकता हूँ, तो डिलीट अपडेट क्रिएट सब कुछ कर सकता हूँ, रीड भी कर सकता हूँ कि इसके अंदर कौन सी फाइल लगी हुई है। आया समझ। डोम से बेसिकली हम किसी भी टैग के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब डोम हमारा जो है एक्सेस कैसे होता है, कैसे हम यूज करते हैं। CSS थोड़ी थोड़ी याद है सभी को, उसमें कुछ सेलेक्टर बताया था मैंने, क्लास ID टैग नेम स्टार, ये चार बताए थे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो डोम है आपका सेलेक्टर के भी आप पे चलता है, क्लास टैग ID ये आपके सेलेक्टर है, यहाँ पे स्टार नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। स्टार तो फिर डॉक्यूमेंट ही लिख दो, वो स्टार ही है सारा। इतना क्लियर है सभी को। अब आप कोई भी टैग को एक्सेस करो किन तीन चीजों की हेल्प से, क्लास टैग नेम ID। अब फिर हम बाद में देखेंगे कि हमें कौन सा ज्यादा यूज करना चाहिए, अब समझ में आएगा क्यों हमें ID यूज करना चाहिए। लास्ट थिंग, जो डोम है मैक्सिमम परफॉर्म करवाते हैं इवेंट्स के ऊपर। अब ये इवेंट क्या चीज आ गई, जैसे कि ये मेरा पेज लोड हुआ, ये क्या एक इवेंट है। मैं माउस हिला रहा हूं इस पेज के अंदर, इवेंट है। मैं किसी के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, इवेंट है।
जितने भी चीजें मेरे वेब पेज के अंदर मैं कर सकता हूँ सब इवेंट, फॉर्म को फिल कर रहा हूँ वो इवेंट है, फॉर्म कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ वो एक इवेंट है। तो पता लगे आप वेब पेज के अंदर कुछ भी कर रहे हो वो एक इवेंट होता है, क्लियर है? तो जो डोम है हमारा किस पे चलाते हैं, मैक्सिमम इवेंट के ऊपर, क्लियर सभी को? तो अब देखो यहां पे जैसे मीट ओपन कर रखी मैंने, इसके ऊपर मैं कर रहा हूं क्लिक, क्लिक करते देखो पॉपअप आ गया। अभी तक क्या हमने ये देखा क्लिक करते ही कुछ आया, बस एक बूटस्ट्रैप में बना बनाया जरूर था लेकिन और हमने कहीं पे नहीं देखा ये चीज। तो बूटस्ट्रैप ने भी तो कैसे कर रखा हुआ, इसी को कर रखा हुआ, क्लिक करोगे वो चीज आ जाए। तो ये सब किसकी हेल्प से होता है, डोम से। आप डोम से किसी के सीएसएस चेंज कर सकते हो, मतलब स्टाइल लगा सकते हो डोम से कि बटन पे क्लिक करो कलर चेंज हो जाए, ये सब आप कर सकते हो। तो चलो अब एक डोम का छोटा सा एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। मैं बेसिकली टैग को एक्सेस करूंगा, ठीक है, कल क्रिएट करूंगा, एक्सेस करना है, ठीक है। अब एक्सेस कैसे करें, अब मैंने क्या कर लिया, एक फाइल बना ली अलग से, कोई भी नाम रख लेना। अब मैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट ज्यादा करूंगा क्योंकि अब एचटीएमएल से भी समझ जाना, मेरे को थोड़ा थोड़ा एचटीएमएल का यूज आ गया। मैंने एक टैग बनाया H1, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ इसके अंदर आईडी यूज करनी है आपको, रीजन प्रूफ दूंगा क्यों करनी है। अभी के लिए बस मैं आईडी कुछ मेंशन नहीं कर रहा, हेलो स्क्रिप्ट डाल दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया, आ जा इतने तो लिख ना दूंगा। मैंने JS लिख दिया वैसे ही, इसके बाद फिर एक और H1 H2 जो भी मन करे लिखते रहो, उसके अंदर कुछ कुछ लिख दिया, ठीक है, तीन चीजें लिख दी। अब मेरे को ये बताओ ये पेज पे जब इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा कैसे होंगे, क्या एज इट इज होंगी या कुछ और सीक्वेंस आएगा, करो गेस। सर H1 H2 तो सेम ही चलेंगे। ओके नहीं सीक्वेंस पूछ रहा हूँ मैं, पहले अरे हेलो प्रिंट होगा, फिर JS होगा या FD होगा या कुछ ऐसे होगा, कुछ अलग हो जाएगा इससे, वो सर आप पहले बताओ। H1 प्रिंट होगा फिर H2 होगा। ओके और किसी का क्या सजेशन है? यही वो प्रूफ है, फिर मैं बताऊंगा जावास्क्रिप्ट नीचे क्यों लिखी जाती है, ये बताएगा। चल बता भाई। रिसीवर्स में क्यों होगा यार, देखो चलो समझो फिर दिखाता हूँ क्या हुआ है। HTML कैसे चलता है लाइन बाय लाइन, JS कैसे चलती है लाइन बाय लाइन। तो HTML जब चलेगा सबसे पहले क्या मिला, H1 मिला, हेलो प्रिंट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या मिला, स्क्रिप्ट टैग मिला, तो JS प्रिंट हो गया, फिर क्या मिला स्क्रिप्ट के बाद H2 मिला, तो एज इट इज आएगा जैसे आपने लिखा। अब देख लो ठीक है रमन। जैसे आप लिख रहे हो वैसे मिल रहा है। हम जब जब आपने बूटस्ट्रैप लगाई, इतना तो याद होगा सभी को, बूटस्ट्रैप लगाई तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैंने बूटस्ट्रैप लगाई थी मैक्सिमम बॉडी के एंडिंग में, मतलब बॉडी एंड हुआ वहां पे लगाई है, तो यार फिर मेरा वो ऊपर क्लिक करने पे इफेक्ट कैसे आ रहा था? अभी तक तो हमने यही देखा कि जहां पे मैं लगा रहा हूँ वहीं पे वो चीज चल रही, उससे आगे नहीं चल रही। तो क्या मैंने उसके अंदर कहीं पे स्क्रिप्ट लगाई थी बटन के अंदर? मैंने तो कहीं पे नहीं लगाई, तो फिर वो चीजें कैसे हो रही थी? तो समझे, अब इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, थोड़ा सा डोम के ऊपर जाना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं JS यार आपके पेज को स्लो बना देती है इसलिए सबसे नीचे लिखते, चलो वो रीजन वैलिडेट मान लो कि उसने लूप गलत लगा दिया, वो स्लो बनाएगा वैसे भी क्योंकि वो सबसे पहले वही चीज चलेगी। अब मैंने क्या कर लिया इस चीज को, एक बार सबसे नीचे लिखता हूं मैं, फिर ऊपर भी लिख के दिखाऊंगा। हाँ जी, इसको मैंने एक आईडी दे दी, कोई भी जो मन करे आप आईडी दे देना, ठीक है, मैंने ये दे दी। अब मुझे क्या करना है, ये H1 एक्सेस करना है किसके हेल्प से, आईडी के हेल्प से। तो यहां पे अपना एक वेरिएबल ले लो जो आपका मन करे, मैंने ये ले लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां पे क्या लिख दिया, उसकी आईडी लिख दी ए। अब समझते हैं डॉक्यूमेंट का मतलब, तो सभी को समझ आ गया क्या होता है,
गेट का मतलब लेना, एलिमेंट का मतलब टैग, किस चीज के थ्रू, आईडी के थ्रू, कौन सी आईडी, ए, तो इससे क्या आ जाएगा मेरे पास H1 आ जाएगा। चलो टेस्ट कर लेते हैं H1 आया नहीं आया। कंसोल लोग मारा मैंने, यार क्या हो रहा है जिसको, ए को सेव किया, खुल जाएगा आजाद में, सही चल रहा है, वीएस कोड गड़बड़ कर रहा है। एच वन मिल गया कंसोल के अंदर एज इट इज जैसे आपने लिखा है। देखो एच वन की आईडी क्या है, ए है, इतना क्लियर है। अब मैंने क्या कर दिया, इसी चीज को ऊपर रख दिया, हेड के अंदर रख सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट, मैंने भी स्टार्टिंग से बोला है। अब पढ़ना क्या मिला, अब नल क्यों मिल गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। देखो कोड मैंने एज इट इज लिखा है, जो नीचे था ऊपर रखा बस, तो गड़बड़ क्या हुई यार, आपकी जावास्क्रिप्ट पहले चल गई, एचटीएमएल तो चला ही नहीं, उसको आईडीए मिली है क्या अभी तक कहीं पे। अब वेरिएबल ए तो बन गया लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू तो नहीं गई, तो क्या मिल गया मेरे को, नल मिला। नल का मतलब क्या होता, खाली। तो आपकी जावास्क्रिप्ट पहले चल गई, एचटीएमएल बाद में चला, जब तक वो आईडी बनी नहीं है तो कैसे दिखा देगा उसको, रीजन मिल गया, क्यों जावास्क्रिप्ट को नीचे लिखते हैं। देखो रीजन हर चीज के अलग अलग हो सकते हैं, स्लो बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, प्रूफ मैंने दे दिया। अब देख लो सेम वही चीज, बस नीचे लिखी है, आगे एच वन हैश है, आ जाएगा। अब इतना ज्यादा कोड भी नहीं है, देख लो सेम कोड को नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि अब जब तक आपका एचटीएमएल चल रहा है वो आईडी क्रिएट हो चुकी है, ये रीजन है, फिर आप अपना काम कर सकते हो। आप पता लगे बूटस्ट्रैप की भी नीचे क्यों लगाते थे, या मैक्सिमम जावास्क्रिप्ट नीचे ही मिलेंगे, कोई भी वेबसाइट खोल लेगा, बस यही रीजन है कि वो नीचे मिलती है, क्योंकि डोम से रिलेटेड कुछ करोगे तो डोम तो जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आगे नहीं चलेगा, वो नल अनडिफाइंड कुछ दे देगा, या नॉट डिफाइंड एक्स वाई जेड जो भी दे। क्लियर है सभी को? और देखो मैंने क्या कर लिया, इस एच वन को एक्सेस कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसकी आईडी निकालनी है, किसके अंदर एच वन, अब ए वेरिएबल के अंदर आ चुका है, डॉट आईडी कर दोगे तो इसकी आईडी हमारे पास आ जाएगी, इसकी आईडी क्या है, ए है। अब आपको यहाँ पे ए प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। क्लास निकालनी है तो जावास्क्रिप्ट में क्लास नहीं होती, क्लास नेम होता है, याद रखना, क्योंकि क्लास ऊप्स के लिए भी रिजर्व है, क्लास नेम, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है ना जावास्क्रिप्ट, तो इसलिए क्लास वहां के लिए रिजर्व है। क्या इसकी कोई क्लास दे रखी मैंने कहीं पे, तो कैसे आ जाएगी, खाली है, तो चलो क्लास दे देते हैं एक्स वाई जेड, जो मन करे दे दो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस कर पा रहा हूं मैं क्लास को, अब इसके अंदर जो लिखा वो भी एक्सेस कर सकता हूं मैं, कैसे, मैंने बोला इसके अंदर जो लिखा हुआ, अंदर का मतलब इनर, और लिखा क्या हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, इनर टेक्स्ट मिला, हेलो, क्योंकि हेलो ही लिखा हुआ, तो पता लगा इनर टेक्स्ट क्या होता है, उसके अंदर का टेक्स्ट। एक होता है इनर एचटीएमएल, ये भी कुछ ऐसा ही है, सेम है, देखते हैं, सेम मिल रहा। चलो अब मुझे क्या करना है, इसकी इनर टेक्स्ट के अंदर एक नई वैल्यू सेट करनी है, तो वेरिएबल के आगे इनर टेक्स्ट लिख दो या इनर एचटीएमएल लिख दो, ए डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू हाउ आर यू, ठीक है, सेव किया, हेलो की जगह देखो क्या आ गया, अब कहां से आया, जेएस से आया, चलो अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया, इसके बीच में कहीं पे कोई टैग लगा दिया, ऐसे लगा सकते थे ना हम, उसके अंदर भी हेलो के अंदर बी आर या जो भी लगाना है, सेव किया, अब चेक करो क्या बी आर फंक्शनैलिटी कर रहा है अपने, वो तो प्रिंट हो रहा है टेक्स्ट की तरह। अब एक चीज क्लियर हुई, आपको आप किसी वेबसाइट पे जाते हो वहां पे एचटीएमएल लिखा होता है, जैसे बूटस्ट्रैप से मैं कॉपी करके लाया या W3 से,
वहां पे तो एचटीएमएल लिखा हुआ था, काम क्यों नहीं कर रहा था? एक्चुअल में अगर किसी पेज के अंदर एचटीएमएल लिखोगे तो वो काम करेगा, जैसे एचटीएमएल लिखते हैं तो वो एचटीएमएल जैसा बन जाएगा। तो ये वो टेक्निक है जिससे वो काम नहीं करता, ठीक है। जो आप कॉपी करके लाते हो, इनर टेक्स्ट लिख देते हैं तो वो एचटीएमएल एज इट इज लिखा हुआ जाता है। अब आता है इनर एचटीएमएल, यही डिफरेंस इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है मे बी। इनर एचटीएमएल कर दिया, अब देखना इनर एचटीएमएल में क्या किया, टैग की फंक्शनैलिटी काम कर गई। तो जो आप उसके अंदर लिखते हो वो इनर एचटीएमएल वाला काम होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इनर एचटीएमएल होता है। पता लगे इनर टेक्स्ट क्या होता है, एज टेक्स्ट प्रिंट कर देगा, इनर एचटीएमएल एज फंक्शनैलिटी प्रिंट कर देगा, ठीक। तो देख लो डोम से मैं क्या क्या कर रहा हूं। अब लास्ट चीज बस फिर खत्म, एक्सेस कर रहे हैं। मैं चाहता हूं ये चीज बटन के क्लिक पे हो, क्योंकि एक इवेंट भी पता लग जाए एटलीस्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बटन बनाना पड़ेगा यार। डोम को करने के बहुत सारे तरीके, मैं सिंपल तरीका दिखा रहा हूं, पहले बता रहा हूं। इसके अंदर कह दिया चेंज टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट लिख दिया। अब सिनेरियो क्या है समझते थोड़ा सा। यहां पे जब फर्स्ट टाइम लोड कराओगे हेलो ही रहे, जब मैं बटन के ऊपर करूं क्लिक हेलो की जगह क्या हो जाए हाँ भैया। तो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा ना, मैं बटन पे क्लिक कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा। तो उसके लिए इवेंट आता है, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, थोड़ा सा अच्छे से दिखे सबको। हाँ जी, जिस चीज के भी अंदर इवेंट लगाना है तो क्या करो, उसी टैग के अंदर जाओ, इवेंट का नाम लिख दो। मेरा कौन सा इवेंट है, क्लिक, तो ऑन क्लिक, कि जब मैं करूं क्लिक, आया समझ। जब आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो ये इवेंट ट्रिगर हो जाता है। अब वो अलग बात है क्योंकि हमने इस चीज के ऊपर कुछ लिखा नहीं होता। मैंने कर दिया अलर्ट, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, टेस्ट कर रहे कि बटन के क्लिक पे आता या नहीं आता। हो गया लोड, ठीक हो गया। देखो क्या अभी तक मेरी अलर्ट आई है, मेरी तो नहीं आई। आई, देखो इवेंट का पता लगा कि जब मैं इसके ऊपर कर रहा हूं क्लिक तब मैंने क्या बोला, अलर्ट आ जाए, देख लो ऑन क्लिक पे क्या है, अलर्ट। अब मैंने क्या किया, एक्चुअल में अलर्ट थोड़ी दिखानी थी मेरे को, तो कुछ सिनेरियो बनाना था, कोई फंक्शनैलिटी बनानी थी। कोई फंक्शनैलिटी के लिए क्या करें, हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। मान लो फंक्शन का नेम रख लिया मैंने ए, नहीं ए तो नहीं रहने दो यार, क्योंकि ए नाम का वेरिएबल भी गड़बड़ कर देगा। जेड ले लिया, ठीक है, जेड नाम का फंक्शन कॉल कर दिया। क्या यहाँ पे अभी तक जेड नाम का फंक्शन क्रिएट हो रखा है, तो फिर भी एक बार टेस्ट आउट करते क्या होता है। आगे ना फंक्शन, अब आपकी जिंदगी में पूरे डोम में फंक्शन ही चलेंगे, फंक्शन लूप कंडीशन। फिर कोई चीज छोटी बड़ी दिखानी वो आप देख लेना। देखो अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, क्लिक किया क्या आ गया, जेड नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी तक बना थोड़ी हुआ, कॉल कर रहा हूं मैं तो बनाना कहां पे, जावास्क्रिप्ट के अंदर। फंक्शन जेड, जैसे मैं टेस्ट कर करके दिखा रहा हूं, सेम टू सेम आपको टेस्ट करनी जब जाके आएगी ये चीज। मैंने लिख दिया अलर्ट और अलर्ट के अंदर लिख दिया डन, ठीक है, कि जब मैं ये बटन पे करूं क्लिक फंक्शन कॉल, और फंक्शन के अंदर क्या है, अलर्ट है, तो अलर्ट आ जाए मेरे अकॉर्डिंग। तो देखो जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल अटैच हुए अब एक दूसरे के साथ। दोबारा देख लो, जितनी बारी क्लिक करोगे अलर्ट आती रहेगी। अब जो आपने पहले किया था उसको उठा के एज इट इज ऊपर रख दो फंक्शन के अंदर, बस। जो मैंने लिखा था, मैंने तो वैसे ही लिखा था, वैसे का मतलब क्या हुआ, जब जावास्क्रिप्ट लोड हुई चल गया। अब कब चलेगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा। कॉल कब होगा, जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, वरना क्या रहे उसके अंदर, हेलो लिखा रहे। अभी यहां पे गूगल मीट पे तो यही था, जब तक मैं बटन पे क्लिक कर रहा था कोई पॉपअप आया था, नहीं आया था। देखो अभी तक क्या हेलो की जगह कुछ हो रहा है। अब फंक्शन के ऊपर किया क्लिक, आ गया हाउ आर यू, कोई डाउट इसमें। देखो फंक्शन काम सारा वही है जो आप सीख के आए हो, बस डोम फंक्शन के अंदर रख दो जो आप चाहिए,
एक होता ऑन डबल क्लिक, ऑन डीबीएल क्लिक, ये क्या करेगा, डबल क्लिक करोगे साइमल्टेनियसली जब चलेगा, कई बार ऐसा होता है ना डबल क्लिक इकट्ठा करते तभी होती है, तो ये वो चीज है। मैंने क्लिक किया सिंगल, नहीं हुआ, दो बार हो गया, नहीं हुआ, साइमल्टेनियसली किया, उसी टाइम करना पड़ता है डबल क्लिक, ठीक है। तो ये डबल क्लिक, अब इवेंट का भी क्लियर हुआ, इवेंट क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, किसी भी टैग के अंदर जाके लगा दो, जरूरी नहीं कि बटन के अंदर ही ऑन क्लिक लगेगा, किसी के अंदर भी लगाओ। इसका मीनिंग ये है कि देख लो, अ पॉइंटिंग डिवाइस बटन इज क्लिक ट्वाइस ऑफ एन एलिमेंट, कि जब आप किसी के ऊपर डबल क्लिक कर रहे हो, ऑन क्लिक का देखना हो, अ पॉइंटिंग डिवाइस बटन हैज प्रेस्ड एंड रिलीज ऑन एन एलिमेंट, मतलब आपने बटन प्रेस किया और रिलीज कर दिया, क्लिक हो गया, क्लियर है सभी को। अब बस यही आपका डोम है, इसी के ऊपर पूरा डोम चलता है। अब आपको थोड़ा थोड़ा सिनेरियो क्लियर होने लग गया, वेबसाइट्स कैसे काम करती है, कैसे वो पॉपअप आया, कैसे वो ड्रॉप डाउन आई थी, इन्हीं से आती है वो, क्योंकि जब तक हमने जेएस नहीं लगाई थी तब तक ये चीज नहीं हुई थी बूटस्ट्रैप में, जैसे ही लगा दी सब कुछ हो गया, ठीक है। तब पता लगा डोम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके अंदर वो सब चीजें रिपीट होंगी जब आपने की है पहले। चलो फिर मिलते हैं कल सभी से, इतना जरूर प्रैक्टिस करना।